आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक देखने वाले हैं। ओके, इंट्रोडक्शन लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री जो है वो ट्रिजोर्गोन प्लस मेट्रॉन ट्राई मानी थ्री गोन मानी साइड्स मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? तो मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। ओके, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ट्राई जोर गोन जोर मेट्रॉन। ट्राई का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? थ्री साइड्स मेजरमेंट। तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल इज बेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, अगर कोई पूछे कि ट्रिगोनोमेट्री का बेस क्या है, तो राइट एंगल ट्रायंगल इज द बेस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो तीन वर्ड मिलके बना है, ट्राई जोर गोन जोर मेट्रॉन। ट्राई मानी थ्री, गोन मतलब साइड्स, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो बेस है ट्रिगोनोमेट्री का। तो राइट एंगल ट्रायंगल का पहले हम कुछ बेसिक क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फिर लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। और ये जो देख रहे हो नीचे, ये क्या है? तो बेस। और ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ओके, तो फिर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट साइड कौन है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो होता है इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस सम ऑफ बेस स्क्वायर। तो फिर हम इसको एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर एच फाइंड करने हमको कहेगा, तो एच इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बेस पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर मान लिया कि बेस पूछेगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो फिर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें सबसे बड़ा साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और स्ट्रेट देख रहे हो ये हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे जो होता है वो बेस होता है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो था ये बेसिक था पाइथागोरस थ्योरम का। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा थीटा है। मान लो ये हमारा थीटा है, और ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री
बन रहा है। तो फिर देखो यहाँ पे थीटा के सामने वाला जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ओके, वाइट एरो देख रहे हो, थीटा है यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। वाइट एरो देखो, तो ये जो हो गया ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। और 90 डिग्री जहाँ पे बन रहा है उसके सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। ओके, तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो अब क्या बचा? बेस। तो नीचे वाला जो देख रहे हो ये क्या हुआ? हमारा बेस। तो देखो अगर हमको हाइपोटेनस निकालने कहेगा तो हाइपोटेनस क्या होता है? एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अगर इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल इस टाइप का देख रहे हो और थीटा यहाँ पे हो, तो बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेनस क्या होगा और बेस क्या होगा? तो देखो थीटा के सामने क्या होता है? तो थीटा के सामने होता है हमारा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री जो होता है ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो जो बच गया वो क्या हुआ? हमारा बेस। तो नीचे वाला हो गया बेस। तो एक बात याद रखना कि थीटा जो होता है थीटा के सामने वाला साइड जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। ओके, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री जो है 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस। ओके, तो देखो थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री ये जो देख रही है यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और जो बचा नीचे वाला वो हो गया हमारा बेस। अब अगर सपोज करो कि इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, और ये हमारा क्या हुआ? तो अपने से देखो ये ऐसे आया और यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हमारा हाइपोटेनस, और ये थीटा देख रहे हो, तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगा? थीटा के सामने वाला साइड होता है हमारा परपेंडिकुलर। ओके, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो अब जो बच गया वो हमारा बेस होगा। तो कौन वाला साइड बच गया? ये, तो ये हमारा हो गया बेस। तो देखो अब हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो 3 साइड मेजरमेंट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो ट्रिगोनोमेट्री का बेस है। ओके, अब हम बताए हैं कि हाइपोटेनस क्या होता है, तो लॉन्गेस्ट साइड जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस सम ऑफ बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो हो रहा है वो हमारा हाइपोटेनस है। तो फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो स्टार्ट किए, तो देखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, थीटा ये एंगल है। ओके, थीटा ये एंगल है, समझो कि यहाँ पे जो ये मेरा ये हमारा आँख है, मीन्स यहाँ से हम देख रहे हैं। ओके, यहाँ से जब हम विजिट करेंगे तो ये सामने वाला जो होगा थीटा के सामने वो परपेंडिकुलर होता है, और ये जो देख रहे हो 90 डिग्री जो बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने जो देखोगे वो होगा हमारा हाइपोटेनस। तो 3 साइड होता है, तो और एक साइड जो बचा वो हमारा बेस होगा। नीचे देखो जैसे ये फिगर में थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पे थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री देख रहे हो, ये है क्या 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हम लिख भी दिए कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। ओके, थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं दिखाने के लिए, जैसे मान लो यहाँ पे थीटा है ये कंडीशन में, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर,
और 90 डिग्री देख रहे हो, ये है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हुआ, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो अगर हाइपोटेनस निकालने का है तो क्या होगा, एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली अगर हमसे पी निकालने का है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो फिर पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो सिर्फ आप लोगों को ये याद रखना है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, इससे आप पूरा निकाल लोगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सपोज करो हमको b निकालना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो फिर b इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो पॉज करके नोट करो। अब देखो, अब हम फार्मूला स्टार्ट करेंगे। देखो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, मान लो यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर और यहाँ पे मान लो थीटा है, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, और नीचे वाला क्या हो गया, बेस। तो यहाँ पे पी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, एच हुआ हाइपोटेनस, बी हो गया बेस। तो फिर देखो यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच। तो हम बता दिए कि थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा, और तीन साइड होता है ट्रायंगल में, तो एक जो बचा हुआ साइड जो है वो हमारा बेस होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ओके, मानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, मानी साइन इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस। और एक हो गया हमारा टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, पी बाई बी बोले तो परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी मानी परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो देखो टोटल जो होता है वो सिक्स ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, तो अगर हम ये तीन याद कर लें तो फिर इसका अपोजिट कर देंगे तो फिर अदर तीन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो देखो अब कहोगे कि ये कहाँ से आया, तो एक चीज़ देखो, साइन अगर हमको कॉसेक थीटा निकालना है, ओके, तो कॉसेक थीटा होता है हमारा वन बाई साइन थीटा, वन बाई साइन थीटा मानी वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे वन बाई साइन थीटा क्या होता है, तो पी बाई एच, तो जब इसको वन इंटू क्या हो जाएगा, एच बाई पी होगा, तो ये हो गया हमारा एच बाई पी, अपोजिट कर दिया, देखा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी होगा, ओके। सिमिलरली इसी तरह तीनों केस में साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टैन का अपोजिट कॉट होता है। तो देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पलट दो, तो ये हो जाएगा एच बाई पी। अब देखो कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का अपोजिट सेक, तो कॉस थीटा है बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाई बी। अब देखो टैन थीटा, टैन थीटा क्या गिवन है, पी बाई बी, तो टैन का अपोजिट कॉट, टैन का अपोजिट कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई पी, पलट देना है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेट ऑफ फार्मूला जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे था। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, जहाँ पे पी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, बी बेस, ये तो बेसिक है, आप लोगों को पता ही होगा। अब देखो कॉसेक थीटा, तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, ठीक है,
तो इसका अपोजिट कर दो, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी हो जाएगा। टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद करना है। अब हम सेकेंड सेट ऑफ फार्मूला देखेंगे जो कि है रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा। अब एक और क्या होगा, टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा। टैन का उल्टा कॉट। ओके, तो टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा। अब यही का हम देखो, साइन निकल गया, तो अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। यहाँ से भी आप ड्राइव कर सकते हो, देखो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई साइन थीटा। डायरेक्टली समझो कि साइन जो है वो इंटरचेंज होगा, कॉस साइन कॉसेक, कॉस सेक टैन कॉट। तो फिर ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। अब है कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है वन बाई सेक थीटा। तो फिर हमारा सेक थीटा इज इक्वल टू होगा वन बाई कॉसेक थीटा। ओके, सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा। क्यों, सॉरी, देखो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा। तो फिर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वन बाई कॉस थीटा। नेक्स्ट है हमारा टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टैन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टैन थीटा। तो ये आप लोग नोट कीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टैन का अपोजिट कॉट, कॉसेक का अपोजिट साइन। क्योंकि देखो साइन का अपोजिट कॉसेक, तो कॉसेक का अपोजिट साइन। सेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टैन थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशन है, या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे समझो कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉस थीटा है, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का अपोजिट कॉसेक। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा है। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा है। तो यहाँ से हम एक और फार्मूला निकाल सकते हैं कि साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा होता है, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन। इसी तरह से कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा। तो फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। अब जो होता है नेक्स्ट है हमारा कि टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा, जो कि हम रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़ चुके हैं कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन बाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू वन बाई टैन थीटा। तो जब टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो ये भी रहा फॉर्मूला, इसको आप डेराइव भी कर सकते हो वहाँ पे, अगर आपको ये याद है तो, कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। अपोजिट मानी साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा। कॉस का सेक टैन का कॉट, ऐसे याद रखो कि साइन कॉसेक, कॉस सेक टैन कॉट। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक टैन का कॉट। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक टैन का कॉट। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला है वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसका हम वैल्यू याद करेंगे। तो फिर देखो हम इस तरह से चार्ट बना लेंगे। थीटा, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और एक और बना लो यहाँ पे कॉट थीटा का। ओके, कॉट थीटा। और यहाँ पे एंगल्स 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू है। ओके, 0, 30, 45, 60, 90। तो फिर देखो यहाँ पे साइन थीटा का जो वैल्यू हमको निकालना है, तो देखो 0, 30, 45, 60, 90, ये सीरियल पहले ऑर्डर में याद रखो। देखो टेबल को एक कैसे याद करते हैं, तो पहला 0 डिग्री पे क्या होगा, तो रूट अंडर 0/4, ऐसे ही सीरियली करते जाओ, रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4, ये जो ये हमको स्टार्ट करने के लिए साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले क्या करो, टेबल बनाओ, 0, 30, 45, 60, 90, ये ऑर्डर फॉलो करो, और रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4, रूट अंडर 4/4। अब देखो रूट अंडर 0/4, तो रूट अंडर 0/4 का वैल्यू क्या होगा, तो 0। अब देखो रूट अंडर 1/4, तो 1/4, तो 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, तो साइन 30 डिग्री हो गया हमारा 1/2, साइन 0 0, साइन 30 1/2। अब देखो साइन 45 डिग्री, 2/4 है, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये क्या होगा, रूट अंडर 1/2, तो रूट 1 1 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2। अब जैसे देखो नेक्स्ट है 60 पे क्या है, √3/4, तो √3/4 तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट अंडर 3/4। अब आगे देखो रूट अंडर 4/4, तो रूट अंडर 4/4 क्या होगा, रूट अंडर वन क्या, तो 1, तो यहाँ पे 1, तो क्या हो गया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/4, साइन 90 का 1। तो आप ऐसे, सॉरी ये क्या हो गया, देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो देखो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2। ओके, तो देखो साइन 0 0 0, रूट अंडर 0/4, 0, रूट अंडर 1/4, तो 1/2 होगा, रूट अंडर 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये क्या होगा, 1/√2। ओके, क्योंकि रूट अंडर 1/2 मानी 1/√2, क्योंकि √2 × √2 ही ना 2 होगा। रूट अंडर 3/4, तो √3 तो वैसे ही रहेगा, अपॉन 4 है, तो 2 × 2 = 4, तो √3/2, √4/4 मानी 1। तो ऐसे याद रखना है आपको कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। रिपीट कर रहे हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखो कॉस वाले में क्या करो, उधर से लिखो, जैसे यहाँ है ना 1√3/2 1/√2, ऐसे स्टार्ट करो, यहाँ साइन थीटा से 0 से स्टार्ट किया, तो अब उधर से 1 से स्टार्ट करो, तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे हो जाएगा √3/2, फिर होगा 1/√2, फिर होगा 1/2, फिर 0, समझे। पहले टेबल बनाना सीख लो, तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, cos 90 0। तो हम क्या किए, पहले साइन थीटा वाला रो किससे निकाले, तो रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4 से, तो ये हो गया साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो फिर हम cos थीटा में क्या किया, उधर से लिखना स्टार्ट किया, cos थीटा में देखो 1√3/2 1/√2 1/2 0। अब हम आते हैं tan थीटा, तो tan वाले का वैल्यू भी हमको याद लेके, तो याद रखना है, तो tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 90 अनडिफाइंड होता है। ओके, मानी नॉट डिफाइंड, तो लिख दो यहाँ पे अनडिफाइंड, तो इसको आप अनडिफाइंड लिखो या नॉट डिफाइंड कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो क्या हुआ, tan का हम कैसे याद किया, tan 0 0, tan 30 1/√3, लिखने में क्यों मिस्टेक हो रहा है, देखो tan 30 1/√3, √3,
तो क्या किया, 10 0 0, 10 31 बाई रूट थ्री, 10 45 वन, 10 60 रूट थ्री, 10 90 अनडिफाइंड। तो 10 का वैल्यू हम 0 से स्टार्ट किए, फिर देखो 10 30 क्या हुआ, 1 बाई रूट थ्री। तो 10 45 क्या हुआ, तो न्यूमरेटर ले लो 1, 10 60 डिग्री तो डिनोमिनेटर ले लो रूट थ्री, फिर 10 90 अनडिफाइंड। अब देखो हम लोगों को पता है कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, ओके। तो अब देखो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। साइन का अपोजिट कॉसेक मानी रेसिप्रोकल। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, तो हमको फाइंड करना है कॉसेक थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, तो 0 डिग्री। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होगा। कॉसेक थीटा जब 1 बाई साइन थीटा होगा तो 1 बाई थीटा, तो देखो साइन थीटा मानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो 0 है। तो साइन थीटा मानी कि साइन थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, तो 1 बाई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री है हमारा 1 0, ओके, ये एक है 0, तो 1 बाई 0। तो डिनोमिनेटर में जब भी 0 है तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि डिफाइंड ही नहीं कर सकते हम इसको, अनडिफाइंड। तो इसीलिए यहाँ पे जो टेबल देखोगे, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा जो है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइंड 0 डिग्री पे। तो यहाँ पे लिख दो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। तो ऐसे ही देखो साइन 30 डिग्री 1 बाई 2 है, तो साइन का अपोजिट मानी रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होगा, तो फिर इसका वैल्यू आ जाएगा 2। मानी अब पलट दो, रेसिप्रोकल ले लो इसका। यहाँ पे जैसे 0 था, तो 0 का मतलब क्या हुआ कि 0 बाई 1। तो अब इसका हम जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हुआ, 1 बाई 0। डिनोमिनेटर में जब 0 हुआ तो वैल्यू अनडिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइंड। अब सिमिलरली अब एग्जांपल देखो, जैसे कि 1 बाई 2 था, ठीक है, तो 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 बाई 1। तो 2 बाई 1 को हम 2 ही ना होगा, तो 2 लिख सकते हैं, तो इसीलिए हम 2 लिखें। जैसे 1 बाई रूट 2 है तो क्या होगा, रूट 2। ऐसे ही आप पलट दो, रूट 3 बाई 2 है तो रूट 3 बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 बाई रूट 3। 1 बाई 1 तो 1 बाई 1, उसका रेसिप्रोकल वही होगा, तो यहाँ पे 1 ही होगा। तो एक बात याद रखो कि अगर हमको 0 का रेसिप्रोकल लेना है तो वो हमारा अनडिफाइंड वैल्यू जाएगा, क्योंकि 0 का मतलब क्या हुआ, 0 बाई 1। 0 बाई 1 का रेसिप्रोकल 1 बाई 0, डिनोमिनेटर में 0 जब ये जाएगा तो वो हमारा अनडिफाइंड होगा। डिनोमिनेटर में 0 मानी वो अनडिफाइंड, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। और वहीं अगर न्यूमरेटर में 0 रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है। जैसे सपोज करो 0 अपॉन 1, तो उसका वैल्यू 0 होगा, और अगर 1 अपॉन 0 रहे तो वो अनडिफाइंड होगा। अब देखो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का अपोजिट सेक। तो देखो कॉस का अपोजिट सेक मानी रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 बाई 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2 बाई रूट 3। 1 बाई रूट 2 का रेसिप्रोकल रूट 2 बाई 1 मानी रूट 2। 1 बाई 2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो अनडिफाइंड, या कहो नॉट डिफाइंड। तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 0 है। अब इसी तरह से टेन का देखो, 10 0 0 है, तो टेन का अपोजिट कॉट मानी कि 0 है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेंगे तो अनडिफाइंड लिख दो, अनडिफाइंड, ओके, अनडिफाइंड मानी हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। 1 बाई रूट 3 का रेसिप्रोकल रूट 3। 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 का मतलब क्या हुआ, रूट 3 बाई 1। तो रूट 3 बाई 1 का रेसिप्रोकल 1 बाई रूट 3। अब देखो अनडिफाइंड लिखा हुआ, देख रहे हो यहाँ अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड का मतलब 0। अनडिफाइंड का हम रेसिप्रोकल यहाँ पे 0 कैसे लिए, देख लो, समझ लो, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है अगर कोई वैल्यू, तो अनडिफाइंड का मतलब क्या कि ये है 1 बाई 0। 1 बाई 0 है तब तो अनडिफाइंड है। अब हम 1 बाई 0 का, 1 बाई 0 डिनोमिनेटर में 0 है तब अनडिफाइंड है। तो अगर हम 1 बाई 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बाई 1। न्यूमरेटर में 0 गया तो इसका वैल्यू 0 आएगा। तो अगर रेसिप्रोकल रिलेशन है तो 0 को तुम इंटरचेंज कर दो अनडिफाइंड के साथ, और अनडिफाइंड है तो उसको 0 करो, ओके। अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड।
तो ये टेबल आपको याद रखना है। तो देखो आप ऐसे याद रखो, साइन थीटा का वैल्यू टोटली याद कर लो कि साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45/√2, साइन 60√3/2, साइन 91। अब कॉस में पीछे से स्टार्ट करो, कॉस 0 1, कॉस 30√3/2, कॉस 45/√2, कॉस 60/1/2, कॉस 90 0। अब देखो टेन थीटा में टेन 0 0, टेन 30 10 वाला भी याद रखना है आपको। देखो क्या क्या याद रखना है, साइन याद कर लो तो कॉस हो जाएगा, टेन याद करो, अब टेन 0 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 तो नोमिनेटर ले लो 1, टेन 60 डिनोमिनेटर ले लो √3, टेन 90 अनडिफाइंड ले लो, टेन 90 अनडिफाइंड, ओके। टेन का वैल्यू 0 पे 0 और टेन 90 अनडिफाइंड, और 30 1/√3 और 45 पे 1 और 60 पे √3। तो जब ये तीन आपको याद रहेगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस और टेन, इसका अगर वैल्यू आपको याद हो जाएगा तो आप साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो उसका आप रेसिप्रोकल करके डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो। तो आपको साइन कॉस और टेन का वैल्यू याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, ये चार्ट को, तो ये चार्ट आप लोग नोट कीजिए। ये जो था ये आपका थर्ड सेट ऑफ फार्मूला था, सेट 3 फार्मूला, ओके। तो देखिए ये आपको नोट करना है, ये तो इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला पे चलेंगे। ये है हमारा थर्ड सेट ऑफ फार्मूला जो कि है टी रेशियो, माने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। तो इसमें हम आपको बता दिए कि साइन थीटा का वैल्यू याद कर लीजिए, तो कॉस थीटा, साइन थीटा जैसे 0 से स्टार्ट कीजिएगा तो 90 डिग्री पे 1 तक जाएगा, कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1 होगा तो 90 डिग्री पे 0 होगा। तो इसको आप जैसे देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो यही सीरीज को आप इधर से कर देना, 1√3/2 1/√2 1/2 0। टेन थीटा का वैल्यू टेन 0 पे 0, टेन 30 पे 1/√3, टेन 45 पे 1, टेन 60 पे √3, टेन 90 पे अनडिफाइंड। उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू रेसिप्रोकल लेने पे आ जाएगा, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट, तो इससे आपको निकल जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला है जो कि फोर्थ सेट ऑफ फार्मूला वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, ओके। तो पहले तो ये जानिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दो एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री तब कहेंगे जब उनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स 90 डिग्री। अगर उनका सम 90 डिग्री के बराबर है तो उस एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। दो एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री एंगल तब कहेंगे जब उनका सम 90 डिग्री के बराबर हो। अब एक और बात सुने होगे आप, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो होता है टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ़ दियर सम इक्वल 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हुआ तो उसको हम सप्लीमेंट्री कहेंगे, और अगर 90 हुआ तो फिर कम्प्लीमेंट्री कहेंगे। कितने लोगों को कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आप ऐसे याद रखिए, कम्प्लीमेंट मानी सी और सप्लीमेंट्री एंगल मानी एस, ओके। तो सी और एस में कौन पहले आता है, सी पहले आता है तो ये इसका सम दो एंगल का 90 डिग्री होगा, एस मानी एस बाद में आता है तो इसका सप्लीमेंट्री का दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ऐसे आप इसको याद रखिए कि कम्प्लीमेंट्री मानी दो एंगल का सम 90 डिग्री, सी मानी छोटा मानी कि स्टार्टिंग में आ रहा है तो 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री मानी एस बाद में आ रहा है तो दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो 11th में है, तो हम अभी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला जो होगा वो होगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा।
तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। अब सेकेंड जो है हमारा वो है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा वो क्या होगा साइन थीटा। तो देखो क्या हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थर्ड देखिए टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कॉट थीटा, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो फिर फोर्थ हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा हमारा टैन थीटा। फिफ्थ फार्मूला हमारा है सेक, तो देखो सेक 90 माइनस थीटा मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक। ये रिलेशन आप यहाँ पे भूल के भी मत लगाइएगा ओके, क्योंकि देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ये आप लोगों को याद करना होगा, क्योंकि कितने लोग यहीं पे वो रिलेशन लगा देते हैं। वो तो हमारा रेसिप्रोकल का रिलेशन था, ये है हमारा साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो छः हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, तो सिक्स होगा हमारा क्या कॉसेक का, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा वो होगा हमारा सेक थीटा। तो देखो ये रहा हमारा फॉर्मूला, तो क्या है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो दो है, तो दो में से अगर आप एक याद करते हो तो दूसरा आपको खुद बन जाएगा। जैसे देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो अब यही को कर दो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब सेकेंड देखो टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो फिर कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। देखो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये था हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको आप नोट कीजिए, तो पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लीजिए इसको। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला करेंगे। अब नेक्स्ट सेट ऑफ फार्मूला जो है वो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ओके। तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये पहला आइडेंटिटीज। दूसरा आइडेंटिटीज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। पहला आइडेंटिटीज क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। थर्ड है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये तीन आइडेंटिटीज फार्मूला रहा आपका। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ओके। ये तीन फार्मूला आपका रहा ये। तो ये तीन आइडेंटिटीज फार्मूला आपको याद करना है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो देखो अब आप अगर मान लो कि ये फार्मूला से, जैसे मान लो कि ये है एग्जाम्पल लो, बस आपको याद इतना ही रखना है ओके, और यही से पूरा डिराइव हो जाएगा आगे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो हो गया। कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करना होगा,
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। अगर मान लो कि साइन थीटा का वैल्यू हमको निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा का स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो मानिए साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गिवेन है, तो फिर हम साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ऐसे ही आप ये तीन फार्मूला से कुछ भी डिराइव कर सकते हो, तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो। एक दो और फार्मूला ले लो, जैसे कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, ये आपको याद रखना है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और दूसरा फार्मूला हो गया हमारा कॉट थीटा। तो देखो टैन का अपोजिट कॉट होता है, मानिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना होगा। क्योंकि इसका आपको यूज़ पड़ेगा जब आप आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करोगे। ओके, तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और फार्मूला जो हम इधर किए हैं ये सब भी आपको याद होना चाहिए, जैसे देखिए ये सब, कि साइन का अपोजिट मानी साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो वन बाई सेक थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉट थीटा। तो ये सब भी आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये दोनों आपको नोट कर लेना है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज जब हम प्रूफ करेंगे, तो फिर वहाँ पे हमको अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला का भी यूज़ पड़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग देख लीजिए। पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। थर्ड फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको दिखने को बहुत मिलेगा, बहुत इसका यूज़ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फार्मूला जो है वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया हमारा फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का। अब नेक्स्ट जो फिफ्थ फार्मूला है वो है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये पांच फार्मूला आपको अलजेब्रा का फार्मूला है, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि आपको एक्सरसाइज नंबर 8.4 आइडेंटिटीज़ जो प्रूफ करना होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सब फार्मूला आपको याद कर लेना है, जितना फार्मूला ये लेक्चर में किए हैं उतना आपको याद कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो से जो है हम एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में जितना फार्मूला यूज़ होने वाला था वो पूरा आज हमारा कम्प्लीट हो गया। ओके, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन जो स्टार्ट होगा उसको भी देखिए और इतना फार्मूला नोट कर लीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए।